हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आज मैं आप सबको नवरात्रि की बहुत ही पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। जो इस व्रत को करते हैं या फिर 9 दिन का आप उपवास करते हैं या फिर जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, उसके लिए इस पवित्र कथा को जानना अवश्य ज़रूरी होता है। तो इस संबंध में बहुत सारी कथाएँ प्रचलित हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ कथाएँ बताऊँगी। तो पहली कथा जो है वो इस प्रकार है। एक पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उनके कष्टों से मुक्त किया था। महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्तियां प्राप्त कर ली थी और तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उन्हें हराने में असमर्थ थे। महिषासुर राक्षस के आतंक के सभी देवता भयभीत हो चुके थे। इस समय सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाया और दुर्गा को अवतरित किया। उनके शक्तियों के तेज से जन्मी माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके सबके कष्टों को दूर किया था। बोलिए माता दुर्गा की जय। तो दोस्तों, जो दूसरी कथा है वो इस प्रकार है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी एक कन्या थी। ब्राह्मण नित्य प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और यज्ञ किया करता था। सुमति अर्थात ब्राह्मण की बेटी भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन सुमति खेलते समय व्यस्त हो गई और उसके कारण भगवती की पूजा में सम्मिलित नहीं हो सकी। यह देख उसके पिता को क्रोध आ गया और क्रोधवश उसके पिता ने कहा कि वह उसका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी से कर देगा। पिता की बातें सुनकर बेटी को बड़ा दुख हुआ और उसने पिता के द्वारा जो क्रोध में कही गई बातें थी उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। और कई बार प्रयत्न करने पर भी भाग्य का लिखा नहीं बदलता है। अपनी बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया। सुमति अपने पति के साथ विवाह करके चली गई। उसके पति का घर न होने के कारण उसे वन में घास के आसन पर रात बड़े कष्ट से बितानी पड़ी। गरीब कन्या की यह दशा देख के माता भगवती उसके द्वारा पिछले जन्म में की गए पुण्य प्रभाव से प्रकट हुई और सुमति से बोली, हे कन्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मांगो। क्या मांगती हो? इस पर सुमति ने उनसे पूछा कि आप मेरी किस बात पर प्रसन्न है माँ? कन्या की यह बात सुनकर देवी कहने लगी, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से उत्पन्न हुई हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों से पकड़ लिया गया और जेलखाने में डाल दिया गया था। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया था। इस प्रकार नवरात्रा के दिन तुमने न तो कुछ खाया न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान देना चाहती हूँ। कन्या बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति का यह कोढ़ दूर कर दीजिए। माता ने कन्या की यह इच्छा शीघ्र पूरी कर दी। उसके पति का शरीर जो था वो माता भगवती की कृपा से रोगहीन हो गया। तीसरी कथा जो है वो इस प्रकार है। रामायण के एक प्रसंग के अनुसार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान व समस्त वानर सेना द्वारा आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नौमी तक 9 दिनों तक माता शक्ति की उपासना की और दसवीं में भगवान ने युद्ध किया और उसमें उन्होंने विजय हासिल किया। इस तरह नवरात्र में माता दुर्गा की पूजा करने का प्रथा शुरू हो गई और उसी समय से नवरात्रि के पर्व का प्रारंभ भी हो गया और माता दुर्गा की पूजा होने लगी। तो बोलो माता दुर्गा की जय। दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत नवरात्र की बहुत बहुत बधाई हो और मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू दोस्तों।